हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में अतिक्रमण हटवाने गई एक महिला अधिकारी पर होटल मालिक ने गोली चला दी, जिसमें उनकी मौत हो गई, जबकि लोक निर्माण विभाग का एक कर्मचारी घायल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिले के 13 होटलों के अवैध निर्माण को तुड़वाने के लिए जिले की सहायक ग्राम एवं नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला अपनी टीम के साथ पहुंची थी। उसी दौरान यहां के नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक ने अभियान दल पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली महिला अधिकारी के सिर में लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी गुलाब सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को सोलन के कसौली और धर्मपुर के 13 होटलों के अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था, जिसके लिए 4 टीम गठित की गई थी। उनमें से एक टीम का नेतृत्व ये महिला अधिकारी कर रही थी। फिलहाल घटना के बाद से गेस्ट हाउस मालिक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है।